आज मैं आप लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट फालूदा की रेसिपी, जिसे हम मार्केट में मिलने वाले फालूदा के रेडी मिक्स से बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस फालूदा को कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को जरूर से प्रेस करें। फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करके एक सॉसपैन में मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। वजन में देखेंगे तो ये 1/2 लीटर दूध है। इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध में उबाल अच्छे से आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फालूदा का रेडी मिक्स। ये पिस्ता फ्लेवर का है। यहाँ मैं 50 ग्राम यानी 1/2 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें चीनी हमें ऐड नहीं करनी है। ये जो आपको ग्रीन कलर के दाने दिखाई दे रहे हैं, यही चीनी है। तो इसमें हमें एडिशनल चीनी ऐड नहीं करनी होती है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसमें जो सेवइयाँ दी गई थी उसे अच्छे से पकने तक हम इसे पका लेंगे। अभी इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैंने पिस्ता फ्लेवर का इस्तेमाल किया है। वैसे ये अलग अलग फ्लेवर में भी मार्केट में अवेलेबल होती है। इस प्रोसेस को लगभग 5 से 7 मिनट लगता है। 5 से 7 मिनट बाद हम सेवइयाँ को चेक कर लेते हैं। नाखून की मदद से हम चेक कर लेंगे। सेवइयाँ अच्छे से पककर तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। फालूदा को मैंने फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब मैंने ली है 2 सर्विंग ग्लास। सबसे पहले इसमें हम फालूदा पोर कर लेंगे। ऊपर से डाल रही हूँ केसर पिस्ता आइसक्रीम। आप चाहो तो कुल्फी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर से गार्निश कर देंगे बादाम और पिस्ता। साथ ही हम गार्निश करेंगे चेरी। ठंडा ठंडा पिस्ता फ्लेवर का फालूदा हमारा सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस आसान विधि से फालूदा ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।